एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, माइंड में आता है कि तुम बोलते हो मेडिटेशन करते टाइम, जब मेडिटेशन कर रहे होते हो तो बस चीज़ों को देखो, थॉट्स आ रहे हैं तो उनको देखो, अगर किसी पक्षी की आवाज़ आ रही है तो उसको सुनो, अगर हवा आ रही है तो उसकी सेंसेशन फील करो, जो रियलिटी तुम्हारे सामने घट रही है उसको देखो। उस दौरान बस देखना होना चाहिए, उस दौरान सिर्फ सीइंग होनी चाहिए, सीयर नहीं होना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या मैं बात किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैं उस दौरान सिर्फ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, जब आप चीज़ों को विटनेस कर रहे हैं, साक्षी भाव में हैं। तो लोग कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कई लोग कि ऐसे रहने से, चीज़ों को देखते रहने से या विटनेस करने से, साक्षी रहने से घर नहीं चलता, और कोई आएगा और आपके थप्पड़ मार के चला जाएगा, आप देखते रहेंगे, बस विटनेस करो उसको, कुछ एक्शन मत लो उस चीज़ को लेकर। ये बहुत ही गलत धारणा है, समझिए क्या है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन के सिर्फ एक सेक्शन को यूज़ कर रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस सेक्शन है। हालांकि ब्रेन पूरा कॉन्शियस है, लेकिन आप उस कॉन्शियस सेक्शन को, जो ब्रेन का बहुत कॉन्शियस सेक्शन है, उस कॉन्शियस सेक्शन को आप ओवरहीट कर दे रहे हो, ओवर पावर्ड कर दे रहे हो, ओवर वर्क कर दे रहे हो। जिसका मतलब ये देखा गया है, जो OCD के पेशेंट्स होते हैं या डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, उनके ब्रेन स्कैन्स देखे गए हैं, तो उनके ब्रेन स्कैन्स में थॉट्स की बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट होती है उनके ब्रेन स्कैन्स में। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर, जज, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं अपने आप से, ये चीज़ ठीक है या गलत है, एश्योरेंस हो रही है, रीअश्योरेंस हो रही है। लेकिन व्हेन यू जस्ट सी, देन यू लेट द अदर सेक्शंस ऑफ द ब्रेन टू एक्ट। जब आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ ऐसे विटनेस करने से हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारे ब्रेन के अदर सेक्शंस भी जो हैं वो भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेन के सिर्फ एक सेक्शन को मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब आप बस देख रहे हैं, उस देखने के दौरान एक मैंने बात बताई है इनसाइट की, इनसाइट एक इंटेलिजेंस होती है, एक इनसाइट होती है कि जैसे मान लीजिए कि मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को अपने यहाँ पता लग जाएगा कब ये टॉपिक ख़त्म हो गया है और कब मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। इट्स इनसाइट, ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ बनाता जा रहा हूँ। सो सेम, आप जब भी मेडिटेट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप एक्शंस नहीं लोगे, आपके एक्शंस सारे बंद हो जाएंगे, आप जो है वो बिल्कुल डिसेबल हो जाओगे, बिल्कुल पॉसेसिव हो जाओगे आप, ऐसा नहीं है। बल्कि आपके पास और एनर्जी होगी, आपकी एनर्जी
एक्सपीरियंस में, जजमेंट में, कंपैरिजन में, थॉट में नहीं फंस रही है। आपके अंदर एक पैशन आ रहा है जिसका कोई कॉज नहीं है, सेल्फलेस पैशन। इसका मतलब 100% एनर्जी, किसी चीज़ में आपकी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है। सो विटनेस करने से जब आप हर एक चीज़ को लेकर अवेयर रहते हैं तो इंसाइट एक्ट करती है, इंटेलिजेंस एक्ट करती है, वो इंटेलिजेंस जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, वो इंटेलिजेंस जिसकी वजह से एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, वो इंटेलिजेंस जो ह्यूमंस में है जिसकी वजह से ह्यूमंस बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। साइंटिस्ट के साथ ये होता है, साइंटिस्ट जब कर करके कोशिश थक जाते हैं, उसके बाद जब वो कोशिश कर करके थक जाते हैं, उनके उसके बाद उनका ब्रेन जब रिलैक्स होता है तब किसी को सपने में बेंजीन की रिंग दिखाई देती है, कैकुले, तब आर्कमिडीज़ को अपना प्रिंसिपल याद आता है, आर्कमिडीज़ प्रिंसिपल, यूरेका यूरेका करके चिल्लाता है। जितनी भी आप साइंटिफिक डिस्कवरी देखेंगे, वो साइंटिफिक डिस्कवरी कभी भी कॉन्शियस एफर्ट्स का रिजल्ट थी नहीं, करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया। क्यों? इनसाइट आई, इंटेलिजेंस आई। और जब आप बॉडी को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो बॉडी की अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, वो काम करती है। आप सांस ले रहे हैं, ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। सो देयर इज लॉट मोर टू अंडरस्टैंड, टू एक्सपीरियंस, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर क्लिंग रहना चाहते हैं जो चीज़ें बस हमें ठीक लगती हैं। ऑफकोर्स शुरुआत सबसे पहले रैशनैलिटी से ही होनी चाहिए। शुरुआत जो होती है, अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हो तो रैशनल तरीके से ही होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से ही होनी चाहिए। आपका साइंटिफिक टाइम पर हमेशा होना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उसके बाद भी क्या है। सिर्फ इसी में अटक कर नहीं रह जाना चाहिए। सो देखते रहने से, विटनेस करने से आप के अंदर एक इंसाइट एक्ट करती है, एक कह सकते हैं इंट्यूशन, एक इंटेलिजेंस एक्ट करती है, विच इज़ वेरी नेचुरल, ऑर्गेनिक। उसमें आप कंप्लीटली रियल होते हो, जो आप हो अंदर से, कहते हैं जिसको आवाज़ आती है। सो उससे एक्शंस होते हैं, फिर उससे आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जो काम है, आपका जो प्रोफेशन है, आप जो करना चाहते हो, आपकी एक्चुअल एबिलिटी बाहर आती है कि आप एक्चुअल में क्या हो। सो आई होप मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।